तो गाइज एक वीडियो आपने देखा होगा जो हमारे विश्विंदर ढिल्लन सर ने जो टेक एक्शन करके एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने कुछ बातें जो शेयरिंग करी थी वो इंटरेस्टिंग थी, बड़ी देखने वाली थी। और एक्चुअल में अभी जो असली एक्शन का टाइम है वो अब आया है। मतलब उसमें कहने का मतलब ये है, जैसे ढिल्लन सर ने भी क्लियर किया था कि आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा हो तो उनके चैनल पर आप जा करके ज़रूर देखिएगा, कि जैसे आपने देखा होगा कि जो ऑन पैसिव जब 2018 से चला आ रहा था, जैसे ढिल्लन सर ने भी उसमें बताया 2018 19 20 में लोग आए और उस टाइम कुछ लोगों ने एक्शन किया। मतलब उन्होंने सोचा कि चलिए थोड़ी टीमें बनाते हैं, ये करते हैं, और उन लोगों ने टीमें भी बनाई, राइट। काफ़ी सारी टीमें बनाई हैं और उस टीम का जो है आप देख रहे होंगे कि लीडरशिप बोर्ड में भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं, कुछ लोगों के, तो उन्होंने कई मेहनत करी होगी। इस वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है आप देखेंगे कि जिनका टीम बना है उसको आगे जा करके कुछ बेनिफिट होगा, यस डेफिनेटली होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक्शन उस टाइम भी कर सकते थे, उनके पास भी ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने उस टाइप का एक्शन नहीं लिया, मतलब उतना अच्छा वर्क नहीं किया जबकि वो कर सकते थे। कुछ उन्होंने डर डर के काम किया कि यार होगा नहीं, जब ऑन पैसिव लॉन्च होने वाला होगा तब देखेंगे। तो कई लोगों ने तो एक्शन लिए और उसका रिजल्ट आया, और काफी लोगों का उसमें रिजल्ट आया है, लीडरशिप बोर्ड में भी नाम है। आपको मैं रियल मेरा भी बता दूं कि 2020 में मैं ऑन पैसिव में आया था, और नवंबर 2020 में, तो उस वक्त तो मैंने शुरू से ही एक्शन लेना शुरू किया था। उस टाइम इतने ज़्यादा मेरे नहीं थे, लेकिन मेरे मैक्सिमम अपने जो टीम वाले हैं, मेरी टीम में जो लोग थे, उन तक जो है अपनी डायरेक्ट करने के बजाय उनसे उनके साथ में जो है मैंने ज़्यादा शेयरिंग कर दी और अपने कुछ कॉन्टेक्ट उनको भी दे दिए। लेकिन ऐसा करते करते फिर भी मेरे जो है 145 डायरेक्ट हो गए एक सिंगल आईडी में, उसके अलावा एक में 44 हो गए, तो कुल मिला के 189 के करीब मेरे हो गए। तो उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ और आई थिंक एक्शन करना चाहिए, जो हम करना चाहिए उससे और बेहतर करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिन सोचते हैं कि जिनका मेरा जीरो टीम है, यार हम तो अब कुछ खास कर नहीं पाए और क्या होगा इसमें, हम नेक्स्ट एक्शन नहीं ले पाए, यहाँ पे हम फाउंडर तो ज़्यादा नहीं ला पाए, लेकिन फिर हम किस टाइप से इसके अंदर जो है फिर कैसे आगे काम होगा। तो देखिए आपको रियल बात अगर बताएं तो असल में ऑन पैसिव में अब एक्शन का टाइम आया है। अब एक्शन का टाइम इसलिए बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि अभी ऑन पैसिव जो है लॉन्च नहीं हुआ है, और अभी लॉन्च होने के बाद में इस असली कहानी जो शुरू होगी वो यही होगी। आप एक चीज यहां पर कभी नहीं भूलना है कि देखिए जो जीरो है, मतलब जीरो है, जिसके पास कोई टीम नहीं था, कुछ नहीं था, वो भी यहां पर सबसे टॉप पर आ सकता है। उसका रीजन सिर्फ यह है कि आपको यहां पर जो आने वाले टाइम में रेफरल लिंक्स मिलेंगे वो आपका की होगा। मतलब आपको आने वाले टाइम में जो रेफरल लिंक्स मिलेंगे आपके प्रोडक्ट्स के लेकर के, और बहुत सारे और रेफरल लिंक जो भी आएंगे वो आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और इसमें ऐसा ये भी हो सकता है कि जिसने कुछ भी नहीं किया था, मतलब जो फाउंडर नए इंट्रोड्यूस करने में कुछ लोग नहीं मतलब आ पाए थे, जो लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, तो वो उनके पास एक गोल्डन चांस यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर उनको शायद रेफरल लिंक के थ्रू इतना वो कस्टमर रीसेलर को लेकर के आया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो हो सकता है जिसने कुछ भी अभी एक्शन नहीं लिया था ऑन पैसिव में, जो कि सीरियस नहीं था ज्यादा ऑन पैसिव के प्रति, लेकिन हो सकता है कि ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद में उसे जो है बहुत बड़ा चांस मिलेगा जो रेफरल लिंक होंगे। आपके पास जितना डेटा का कलेक्शन होगा, जितने ज्यादा आपके पास डेटा होंगे उतना ज्यादा आप यहां पर लोगों तक पहुंच सकते हैं। कंपनी तो अपने लेवल पर करेगी, उसे छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना खुद का एक्शन अगर लेके काम करेंगे, अब रेफरल लिंक्स वगैरह जो आएंगी, तो जो यहाँ पर कस्टमर रीसेलर बनेंगे वो बहुत बड़े की होंगे ऑन पैसिव के, जो फोर्थ आई जिसे बोलते हैं, राइट, तो वो बहुत बड़ी होगी। तो कंपनी तो अपने लेवल पे करेगी, लेकिन हम और आप जो अपनी मेहनत से जो यहाँ बहुत कुछ और बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। तो जिनका जीरो है, जो बोलते हैं मेरी जीरो टीम है, कोई लोग नहीं है, तो उसके भी लिए आप वेट करिए। और जिसके कोई नहीं बंदे हैं, किसकी टीम में कोई बंदा नहीं था अभी तक और ये था, तो वो बिल्कुल घबराए नहीं, उसके पास भी ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि सभी को रेफरल लिंक वगैरह सबको मिलने हैं। तो इसका आप सही इस्तेमाल कैसे करते हैं ये अब आपको असल में पता चलने वाला है। तो आप बिल्कुल एक्शन के लिए तैयार रहिए, जब भी ऑन पैसे आता है तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा ओपन मार्केट है। असल में मार्केट बहुत ओपन है, और खासकर इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन है, और स्पेशली अगर हम बात करते हैं इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों की, तो सबसे बड़ा मार्केट इंटरनेट में दो तीन कंट्रियों में, उसमें एक इंडिया भी बहुत बड़ा मार्केट है। तो आपके पास एक बहुत सही टाइम है अपना एक्शन लेने का, मतलब आपको रेफरल लिंक मिलके उसको कैसे आप लोगों तक और पहुंचाते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा ये हथियार होगा, वो है आपका
जो है रेफरल लिंक्स, राइट। तो वो कब आएंगे, क्या आएंगे, तो कंपनी डिसाइड करेगी। और जो पेंडिंग फाउंडर पोजीशन जैसे क्लोज होने जा रही है, तो कुछ लोगों को लगता है कि यार ये भी 2-3 दिन में भी वो लोग बहुत कर लेंगे, शायद हमको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम करें। लेकिन इतने दिन से कई लोग एक्शन में नहीं थे, अब आखिरी आखिरी में कुछ लोग एक्टिव हुए हैं, उन्हें लगता था शायद हमें करना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, अभी आपके पास आगे और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है ऑन पैसे में। तो अभी जितने लोगों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। फाइनली जब ये क्लोज हो जाएगा ऑन पैसिव का पेंडिंग फाउंडर पोजीशन भी, और इसका आप आगे कैसे यूज़ करते हैं एशोफाइजर, इसको किस प्रकार से आगे और क्या होता है, तो ये आने वाली अपडेट्स में ही हमको पता चलेगा। तो उसके पहले जो है, आप जिन लोगों ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, तो वो थोड़े से एक्टिव हो जाएं, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेट रखें। दूसरे जितने भी आपके कनेक्टेड लोग हैं जो कि अभी ऑन पैसिव में नहीं आए हैं, उनको भी अपने टच में रखिए। आप ये मत सोचिए कि अरे यार फाउंडर तो मैं उसे बना नहीं पाया, अब क्या होगा। लेकिन आगे जाके हमको जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा, तो बहुत सारी चीज़ें और हमको यहाँ पे देखेंगे कि शायद हो सकता है जो हमारी लिस्ट में नाम थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो ये एक एक्शन जो आप लेंगे ना, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और यहाँ पर जिसके पास, फिर से मैं रिपीट करूँगा कि कुछ नहीं है, जिसका जीरो डीएम है, तो हो सकता है उसके पास इतना सारा डेटा हो कि वो जिसका टीएम है उससे भी आगे निकल जाए, हो सकता है। इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने दिल लगा करके इसमें काम भी किया है तो कंपनी अपने लेवल पे करेगी, उसके करने दीजिए। लेकिन आप अपना जो अभी अगर 100% यहाँ पर अगर देंगे ऑन पैसे में आने वाले टाइम में, तो दिन रात की मेहनत भी आप करेंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप भी टॉप पर जा सकते हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए सेम ही है ऑन पैसे, सब फाउंडर्स के लिए सेम है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपका जो है आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाता है। तो डिलन सर ने जो अपना वीडियो देखा था, आपने देखा नहीं हो तो देख लीजिए उनके चैनल पर, ये टेक एक्शन बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने शेयर किया था, आई थिंक 14-15 मिनट का वो वीडियो है। तो बहुत सिंपल वे में उसको समझाने की कोशिश की है, तो आपके लिए अभी बोल सकते हैं कि एक एक्शन का टाइम तो है, लेकिन आपको एक्टिवेट रहने का भी बहुत जरूरी है, आपको एक्टिवेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों मैं बहुत बिजी चल रहा था अभी 1-2 दिन से, इसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ कंटिन्यू जो है वीडियो शेयर करूँ, तो इसलिए आज भी थोड़ा सा डिले हो गया मेरा वीडियो कुछ बिजी होने की वजह से। लेकिन दोस्तों आप लगातार बने रहिए। देखिए ऑन पैसिव इतनी बड़ी चीज़ है कि शायद हम उसको शब्दों में बता नहीं सकते। कई लोग हैं जो अभी भी, जिनको लगता है कि शायद ऑन पैसिव में क्या पता होगा, कब लॉन्च होगा, कब होगा नहीं होगा, कुछ लोग अभी भी मुझसे पूछे कि जब लॉन्च होगा तब हम देखेंगे, अब हमारे पास ज़्यादा चांस नहीं है। तो उन्होंने ये बोला है कि आप कुछ नहीं, आप जस्ट इंटर कर जाइए, आप ऑन पैसिव में इन कर जाइए, उसके बाद आप विचार कीजिए कि अब क्या करना है। तो फाउंडर तो 1-2 दिन में बंद हो रहा है, फाउंडरशिप क्लोजिंग हो जाएगी 6 तारीख को, उसके बाद में देखते हैं इसका जो नया एक और जो शुरू होगा ऑन पैसिव का नया अध्याय जो शुरू होगा, उसको देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा हम सभी फाउंडर्स के लिए। लेकिन अगर रियल में फिर से रिपीट करूं, तो असली कहानी तो ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद जो आपको रेफरल लिंक्स मिलेंगे, आप कितना ज्यादा एक्शन लेते हैं उस पर सब कुछ जो है वो डिपेंड करेगा। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच।